हम आपको बता रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कुछ करना पड़ेगा कि टीम को नामालूम अपराध ने कोरंगी के रास्ते में शूटिंग के दौरान न इन्हें काम से रोक दिया बल्कि इनसे साथ ही साथ मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। और प्रोग्राम की होस्ट इस वक्त मदिया जावेद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। मदिया, क्या वाकया पेश आया और क्या पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की है? जी, हम लोग इस वक्त मौजूद थे, 5 बजे का टाइम था, हम लोग मौजूद थे। ये कोरंगी टाउन का इलाका है, गुलशन सिकंदर, जहाँ के लोग, उनकी काफी कंप्लेंट्स आई थी हम लोगों को कि वहाँ पर बहुत उनके साथ वारदातें होती हैं, वहाँ के एरिया में उनके साथ जब रात होती है, रात के बाद, बल्कि रात के अलावा भी दिन दहाड़े उनसे मोबाइल की चोरी हो जाती है। तो उनकी कंप्लेंट पर हम वहाँ के उस एरिया में गए थे, वहाँ पे बात करने गए थे जो गुलशन सिकंदर के जो ओनर है, उनके बुकिंग ऑफिस के सामने जब हम लोग खड़े थे, हम उनसे गुलशन सिकंदर के जो बुकिंग ऑफिस में जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे बात नहीं की। तो उस जब हम लोग वहां से, हम लोग अपनी शूटिंग जारी कर रहे थे, तो हम लोग के पास कुछ मुसल्ला अफराद आए और उन्होंने हमारे ऊपर, हमारे ड्राइवर के ऊपर उन्होंने अब एक गन रखी और फिर थोड़ा सा उसको मारा भी है। उसके बाद उन्होंने जो हम लोग से कहा कि अपने मोबाइल और अपने वॉलेट उनको दे दें, जब हमने उनको दे दिया तो उन्होंने थोड़ी सी मारपीट की और उसके बाद वो फौरन वहां से चले गए। अच्छा मदिया, अब आप इस थाने में मौजूद हैं, क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? हम फौरन आए थे उसी इलाके का जो थाना है, जमान टाउन पुलिस स्टेशन हम आए थे। जब यहाँ पर हम लोग पहुंचे, हमने यहाँ के जो SHO हैं, जिनका नाम है दिलावर जोखी, उनसे जब बात की तो उन्होंने फौरी तौर पे हमारी FIR भी दर्ज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले आप एप्लीकेशन लेकर आए, फिर उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि अब ये सोचने की बात है, जब हम यहाँ पर एक पूरी टीम के साथ मौजूद है और हम कह रहे हैं कि हमारे साथ एक वारदात हुई है, तो हमारे ऊपर फौरी तौर पर FIR नहीं काटी जा रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि जब कोई आम आदमी जाता होगा तो उसके साथ क्या होता होगा। खैर, फिर हमने इधर उधर फोन करा और फिर हमने जब उनको पता, उनके ऊपर से बात आई कि इनकी FIR काटी जाए, तो फिर उन्होंने हमारी एप्लीकेशन हमसे लिखवाई वहीं पर, और एप्लीकेशन लेने के बाद उन्होंने FIR कर दिया। 1 घंटा हम लोग तकरीबन पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मदिया जावेद इस हवाले से बात करने के लिए। आखिर इनकी FIR जो है वो काट ली गई है। इसके साथ ही इस बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही, और अब आप देखेंगे प्रोग्राम कुछ करना पड़ेगा।